नमस्कार दोस्तों, मैं विकास स्वागत करता हूं आपका एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक जॉब नोटिफिकेशन के बारे में जो कि आ रही है भारत डायनामिक लिमिटेड की तरफ से। दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप आज का ये जॉब नोटिफिकेशन का वीडियो पूरा देखेंगे, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन से लेकर किस तरीके से आपको अप्लाई करना है, और साथ में हम आपको कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स के बारे में बताने वाले हैं। तो इसलिए आप वीडियो को पूरा एंड तक देखिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये आपके सामने रहा पूरा डिटेल नोटिफिकेशन। अब हम यहाँ पर एक एक पैरामीटर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। पैरामीटर नंबर 1, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया। देख, यहाँ पर जो पहली पोस्ट निकली हुई है वो है यहाँ पर जनरल मैनेजर की HR में। यहाँ पर MBA वाले इसमें अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, मैं यहाँ पर ज़्यादा डिस्कस नहीं करना चाहता, क्योंकि यहाँ पर जो एक्सपीरियंस मांगा गया है, यहाँ पर 18 साल का इन्होंने एक्सपीरियंस मांगा गया है। सेकंड पोस्ट की यदि हम बात करते हैं डिप्यूटी जनरल मैनेजर के लिए, जो कि न्यू प्रोजेक्ट के लिए हायर करने वाले हैं, तो यहाँ पर फर्स्ट क्लास की डिग्री होना चाहिए आपकी इंजीनियरिंग में, जिसमें आप मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले इसमें अप्लाई कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन वाले इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, यदि आपके पास डिप्लोमा है तो भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं PG डिप्लोमा इन प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में। ठीक है, यहाँ पर अगेन 14 साल का एक्सपीरियंस मांग लिया गया है, तो मैं इसके बारे में ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करने वाला। मैं यहाँ पर बात करेंगे यहाँ पर, तो देखिए यहाँ पर मेडिकल ऑफिसर के लिए भी पोस्ट है, जिसमें MBBS वाले अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम 2 साल का एक्सपीरियंस इन्होंने मांगा गया है। नेक्स्ट जो पोस्ट है दोस्तों, यहाँ पर है असिस्टेंट मैनेजर की सेफ्टी में, जिसमें डिग्री किसी भी ब्रांच से है आपके पास तो अप्लाई कर सकते हैं। आप ग्रेजुएशन डिग्री है फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। डिप्लोमा सर्टिफिकेट है आपके पास सेफ्टी में या इसके इक्विवेलेंट, तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है BE BTech के लिए, और BSc यदि फिजिक्स वाले हैं या केमिस्ट्री वाले हैं उनके लिए यहाँ पर 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। ठीक है, नेक्स्ट यदि पोस्ट की बात करते हैं जो कि सबसे बढ़िया रिक्रूटमेंट है भारत डायनामिक्स लिमिटेड में, वो है यहाँ पर मैनेजमेंट ट्रेनिंग के लिए, जिसमें इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल, कंप्यूटर साइंस, ऑप्टिक्स वाले इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, यदि आपने BE BTech किया हुआ है, बैचलर डिग्री की हुई है, या आपने 5 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स किया हुआ है, तो आप इन सभी पोस्टों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी इसमें आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, और किसी भी प्रकार का कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। ये सबसे अच्छी चीज़ आपको इस वाले जॉब नोटिफिकेशन में मिलने वाली है। ठीक है, चाहे आप बिजनेस डेवलपमेंट में अप्लाई करना चाहते हैं, ठीक है, चाहे आप इसमें फाइनेंस HR में अप्लाई करना चाहते हैं, किसी प्रकार का कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है। ठीक है, आपको अपने क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग आपको इन डॉक्यूमेंट्स के साथ आपको इस फॉर्म को फिल आउट करना है। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट पैरामीटर जो कि आ रहा है हमारा नंबर ऑफ वैकेंसी। ये रहा हमारे सामने नंबर ऑफ वैकेंसी का पूरा चार्ट। यदि हम बात करेंगे सबसे पहले तो जनरल मैनेजर के लिए यहाँ पर 1 वैकेंसी है, डिप्यूटी जनरल मैनेजर के लिए 3 वैकेंसी है, मेडिकल ऑफिसर के लिए 2 वैकेंसी है, असिस्टेंट मैनेजर के लिए यहाँ पर 3 वैकेंसी है। यदि हम बात करेंगे यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 12 वैकेंसी का क्राइटेरिया है, मैकेनिकल के लिए 9 वैकेंसी है, इलेक्ट्रिकल के लिए यहाँ पर 3 वैकेंसी है, सिविल के लिए भी 3 वैकेंसी है, कंप्यूटर साइंस के लिए यहाँ पर 2 वैकेंसी रखी गई है। ठीक है ना, ऑप्टिक्स वालों के लिए यहाँ पर 1, और बिजनेस डेवलपमेंट के लिए भी 1 रखी गई है। फाइनेंस और HR के लिए यहाँ पर 3-3 वैकेंसी का क्राइटेरिया इन्होंने रखा हुआ है। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट थर्ड पैरामीटर की, जो कि यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसीजर। दोस्तों, यदि हम बात करेंगे यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसीजर की, तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपका यहाँ पर इंटरव्यू होने वाला है, किसी भी प्रकार का कोई भी रिटर्न टेस्ट आपका यहाँ पर नहीं होने वाला है, किसी प्रकार की कोई एग्जाम नहीं होने वाली है। डायरेक्ट आपको यहाँ पर इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा और आपका यहाँ पर सिलेक्शन होने वाला है। ठीक है, तो आपको हर एक चीज़ को यहाँ पर अच्छे से फिल करना है, किस तरीके से आपको इंटरव्यू में जाना है इसका ध्यान रखना है, किस तरीके से आपको यहाँ पर ईमेल वगैरह करना है, किस तरीके से आपको पोस्टल एड्रेस जाना है, तो आपको एक कंप्लीट डेडिकेशन वीडियो में देने वाला हूँ। तो इसलिए वीडियो को पूरा आप एंड तक देखते रहिए, क्योंकि मैं हर एक पैरामीटर में यहाँ पे बात करने वाला हूँ। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट पैरामीटर के लिए, जो कि आ रही है आपको, यदि आपका इसमें सिलेक्शन होता है तो कितनी सैलरी आपको यहाँ पर मिलने वाली है। देखिए दोस्तों, यदि आपका इसमें सिलेक्शन होता है तो आपको यहाँ पर सैलरी लमसम मिलने वाली है। यदि हम बात करेंगे यहाँ पर जनरल मैनेजर के लिए, तो यहाँ पर आपको 1 लाख से ज़्यादा सैलरी मिलने वाली है। डिप्यूटी जनरल मैनेजर के लिए आपको यहाँ पर 80,000 से ज़्यादा सैलरी मिलने वाला है। यदि हम बात करते हैं यहाँ पर हमारे जो ब्रांच वाले हैं, यहाँ पर जो मैनेजमेंट ट्रेनिंग वाले अप्लाई करने वाले हैं, उनको यहाँ पर 40,000 से 1,40,000 का क्राइटेरिया होने वाला है। यदि मैं आपको CTC के रूप में बताऊँ तो 10.52 लाख का यहाँ पर CTC आपका होने वाला है, जो कि काफ़ी बढ़िया है। इससे अच्छा पैकेज आपको किसी भी कंपनी में नहीं मिलने वाला है। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पैरामीटर पर, जो कि आ रहा है यहाँ पर इम्पोर्टेंट डेट्स के बारे में। देखिए दोस्तों, यदि हम बात करेंगे इम्पोर्टेंट डेट्स के बारे में, तो जो इनका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है वो 4 जुलाई से स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, और जो लास्ट डेट है, मतलब जो क्लोजिंग डेट होने वाली है, वो 19 जुलाई की होने वाली है।
और लास्ट डेट जो है हार्ड कॉपी यदि आप पहुंचाना चाहते हैं वो 27 जुलाई तक की है। सारी डिटेल आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाएगी, इनकी लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर देंगे, आप वहाँ से जाकर जरूर चेकआउट करें। यदि आपको किसी प्रकार की कोई क्यूरी लगती है तो आप इनकी ऑफिशियल मेल पर जाकर इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ये आपकी हर एक तरीके से यहाँ पर हेल्प करने वाले हैं। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट कि आप मैनेजमेंट ट्रेनिंग के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपका जो सिलेक्शन होने वाला है वो रिटन टेस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर होने वाला है, ठीक है। आपका CBD टेस्ट होगा, देन आपका यहाँ पर इंटरव्यू होने वाला है। तो आपका जो टेस्ट सेंटर होने वाले हैं आप यहाँ पर देख सकते हैं कि चेन्नई, हैदराबाद, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, विशाखापट्टनम में होने वाला है, ठीक है। इस चीज़ को आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है, आपको यहीं पर ही जाकर आपकी एग्जाम यहाँ पर देना रहेगी, ठीक है। आपको यहाँ पर पक्स वगैरह भी देने वाले हैं, ये TA DA भी देने वाले हैं, तो काफ़ी लमसम आपकी सैलरी यहाँ पर होने वाली है। किसी भी प्रकार की यदि आपको किसी कुछ प्रॉब्लम लगती है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं वहाँ पर सभी चीज़ों के आंसर देने की कोशिश करता हूँ। यदि हम नेक्स्ट पैरामीटर की बात करते हैं जो कि है आपकी एप्लीकेशन फ़ीस की, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको यहाँ पर 500 का यहाँ पर एप्लीकेशन फ़ीस को फिल करना है। आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग का यूज़ करते हुए आप इनको फिल कर सकते हैं एप्लीकेशन फॉर्म को, ठीक है, जो कि नॉन रिफंडेबल होने वाली है। तो इस तरीके से आपको सर चीज़ देखना है, ठीक है। आपको जनरल कंडीशन भी फिल करना है, ऑल इंडिया से कोई भी इसमें अप्लाई कर सकता है, ठीक है। और पैरामीटर्स की बात करें किस तरीके से आपको अप्लाई करना है, तो 4 जुलाई से इसकी जो नोटिफिकेशन है वो ऑन हो जाएगी इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर, और 19 जुलाई तक ये चलने वाली है। सभी लिंक्स हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर देंगे, हम आपको एक शॉर्ट वीडियो बनाकर आपको अपडेट कर देंगे कि 4 जुलाई से इनकी ऑफिशियल एप्लीकेशन की लिंक ओपन हो चुकी है। आई होप आपको आज की ये पूरी वीडियो अच्छी लगी है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार विजिट करते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को भी हिट करें, जो ऑल का बटन होता है उसको भी प्रेस करें ताकि जैसे ही हम नोटिफिकेशन आपको दें आपके पास सबसे पहले पहुँच जाए। वीडियो अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर करें, उन्हें भी पता लगे कि डायनामिक्स लिमिटेड में नई वैकेंसी निकली हुई है, काफ़ी बढ़िया रिक्रूटमेंट है, जिस प्रकार आपने यहाँ पर पूरा वीडियो देखा, ठीक है। अब हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।